रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। गुलाबो गांव की रहने वाली एक अनपढ़ और देसी किस्म की लड़की थी। वो जब भी अपनी चोटी बनाती तो उसकी चोटी खड़ी हो जाया करती थी और नीचे ही नहीं आती थी। साथ ही उसको बात बात पर जीभ निकालने की भी आदत थी। उसके माता पिता का देहांत हो जाने की वजह से उसका पालन पोषण उसके मामा फिरजू ने अकेले ही किया था। गुलाबो के मामा उसकी शादी के लिए बहुत ही ज्यादा चिंतित रहते थे। जब भी लड़के वाले उसको देखने आते तो उसकी शक्ल और हरकतें देखकर वहां से बहुत चक्कर हो जाते। ऐसे ही समय बीतता रहता है और एक दिन उसके मामा जब बाजार से सब्जी लेकर आ रहे होते हैं कि तभी उनकी टक्कर उनके बचपन के दोस्त आजाद सिंह से होती है। अरे अरे बिरजू मेरे यार, अरे कैसा है तू? अरे मैं तो ठीक हूँ, तू बता यहाँ कैसे? बस यार मंदिर आया था, तू बता यहाँ कैसे? अरे बस यार गुलाबों की शादी की बहुत चिंता होती रहती है। अच्छा क्यों ना गुलाबों की शादी तू मेरे बेटे विशाल से करवा दे, क्या कहता है? अरे बहुत ही अच्छी बात है ये तो। आजाद सिंह और बिरजू मिलकर बिना विशाल की मर्जी जाने उसकी शादी गुलाबों से करवा देते हैं। विशाल भी अपनी पत्नी का घूंघट उठाता है कि तभी गुलाबो जी बाहर निकालते हुए शर्माने लगती है और टेढ़े मेढ़े मुंह भी बनाती है। गुलाबो का ऐसा रूप देखकर विशाल के तो होश ही उड़ जाते हैं और वो गुस्से से उसको पीछे धक्का देता है और कहता है, अरे कैसी हो तुम? पिताजी ने भी ना मेरी शादी पता नहीं किस नमूनी से करवा दी। जी मैं तो आपकी पत्नी हूँ। अरे जीभ अंदर करो ये पहले, पता नहीं नागिन की तरह क्या फुंकार रही हो। मैं तो गुलाबो हूँ ना जी, नागिन होती तो आपको कब का डस लेती। दफा हो जाओ मेरे कमरे से, तुम्हारे साथ सुहागरात मनाने से अच्छा तुम्हें जहर ना खा लूं। हाय सुब सुब बोलिए, ईका कह रहे हैं, आप तो मेरे पति परमेश्वर हैं, आपको कुछ हो गया तो मैं तो ऐसे ही मर जाऊंगी। अरे दूर रहो मुझसे। और चोटी में तुम्हारी कौन सा स्प्रिंग लगा है जो सीधी ही नहीं होती? जी मैं तो हमेशा से ऐसी ही हूँ, सुंदर है ना सबसे अलग। ऐसे ही समय बीतता रहता है और विशाल जब भी गुलाबो को देखता तो उससे दूर भाग जाता था। उसका ऐसा बर्ताव देखकर आजाद सिंह उससे कहते हैं, ये सब क्या है बेटा, तू बहू से इतना दूर दूर क्यों रहता है? तो क्या करूं? शादी करवाने से पहले एक बार भी सोचा आपने कि मैं इतना पढ़ा लिखा लड़का हूँ और ये एकदम भक्त गवार? अरे तो बस पढ़ी लिखी ही तो नहीं है, और क्या कमी है इसमें बता जरा। कमी? अरे कौन सी कमी नहीं है ये पूछो, बात बात पर नागिन की तरह जीभ निकाल लेती है। बेटा ये शादी हो चुकी है, कोई मजाक नहीं है, अब करी है तो निभानी तो पड़ेगी ना। वक्त बीतता जाता है, विशाल गुलाबो को अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार नहीं कर पाता। ऐसे ही एक दिन विशाल इंस्टाग्राम के जरिए कंगना नाम की एक बहुत ही मॉडर्न और पढ़ी लिखी लड़की के संपर्क में आता है। वो दिन रात उससे बात करता रहता है, दोनों बहुत ही अच्छे दोस्त बन जाते हैं और उनका बातों और मुलाकातों का सिलसिला शुरू हो जाता है। दोनों एक दूसरे से प्यार भी करने लगते हैं। वक्त बीतता जाता है, विशाल किसी को भी बिना बताए कंगना से कोर्ट मैरिज करके उसे अपने घर ले आता है, जिसे देखकर सभी के होश उड़ जाते हैं और आजाद सिंह विशाल को एक जोरदार तमाचा जड़ देते हैं। विशाल गुलाबो के होते हुए तूने दूसरी शादी कर ली? अबे यही संस्कार दिए हैं क्या मैंने तुझे? कौन सी शादी, कैसी शादी? मैं नहीं मानता ऐसी शादी को जिसमें मेरी कोई मर्जी ही ना हो। मुंह बंद कर अपना, समझा, और निकल जा इस घर से और इस लड़की को भी अपने साथ ले जा। अरे मैं क्यों जाऊँ इस घर से, और इस घर पर मेरा पूरा हक है। अच्छा बेटा अब तू मेरा बाप बन गया है, चल बहू अब इस घर में नहीं रह सकते हम, चल यहाँ से। गुलाबो और उसके ससुर जी दोनों घर छोड़कर चले जाते हैं। ऐसे ही वक्त बीतता रहता है और एक दिन वो गुलाबो को लेकर बहुत ही बड़े और महंगे सैलून में जाते हैं।
जहां वो उसका मेकओवर करवाते हैं और उसको एक नया लुक दे देते हैं। साथ ही उसे पर्सनैलिटी डेवलपमेंट की क्लासेस भी दिलवाते हैं, जिसके बाद गुलाबों का बात करने का तरीका भी बिल्कुल बदल जाता है और अब वो कवार गुलाबों से एक मॉडर्न अवतार वाली रोज बन जाती है। ऐसे ही एक दिन जब रोज बाजार से घर आ रही होती है तो उसके सामने विशाल आ जाता है, जिससे उसकी टक्कर हो जाती है और विशाल जब उसे देखता है तो बस देखता ही रह जाता है। आपको कहीं लगी तो नहीं? जी नहीं, मुझे तो नहीं लगी, पर लगता है कि आपको लग गई। नहीं नहीं, मैं ठीक हूँ। कितनी खूबसूरत है ये, ऐसा लगता है जमीन पर कोई परी उतर आई हो। हेलो मिस्टर, कहाँ खो गए? जी जी कहीं नहीं। वैसे आप कहीं जा रही हैं क्या? मुझे मॉडल सिटी तक जाना है। अरे मैं भी तो वही जा रहा हूँ, आइए आइए साथ में चलते हैं। दोनों कार में बैठ जाते हैं। विशाल बार बार सिर्फ और सिर्फ गुलाबों की तरफ देखता ही रहता है। जी क्या देख रहे हैं आप? आज से पहले कभी कोई लड़की नहीं देखी क्या? देखी तो है, पर इतनी खूबसूरत पहली बार देख रहा हूँ। वैसे आपका नाम क्या है? मेरा नाम रोज है। ओह वाओ, आपकी तरह आपका नाम भी कितना खूबसूरत है। शादी हो गई आपकी? अगर मैंने बता दिया कि मेरी दो शादी हो चुकी है तो दोस्ती भी नहीं करेगी मुझसे? जी जी नहीं नहीं, अभी तो नहीं हुई। थोड़ी देर बाद गुलाबो कार से उतर जाती है और जाते जाते विशाल को अपना नंबर दे जाती है। वक्त बीतता जाता है और विशाल गुलाबों की खूबसूरती का कायर हो जाता है और उसके लिए पागल भी हो जाता है। तो वहीं कंगना के साथ वो झूठे प्यार का खेल भी खेलता है। ऐसे ही एक दिन वो गुलाबों को अपने दिल की बात बताने के लिए उसे सीसीडी में बुलाता है। रोज, आज मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। बोलो क्या बात है? यही कि जब से तुमको देखा है ना, मुझे हर जगह तुम ही नजर आती हो। ना भूख लगती है और ना प्यास, बस तुम ही तुम हर जगह छाई हुई हो। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। अरे इतनी भी क्या जल्दी है? आपका प्रपोजल एक्सेप्ट करने से पहले आपको कुछ लोगों से मिलवाना था। ससुर जी, कंगना यहाँ आइए। अपने पिता और पत्नी को वहाँ देखकर विशाल के तो होश ही उड़ जाते हैं। क्या हुआ, होश उड़ गए इन लोगों को यहाँ देखकर? जानते भी हो मैं कौन हूँ? मैं रोज नहीं बल्कि तुम्हारी पहली पत्नी गुलाबो हूँ, जिसे तुमने धिक्कार कर छोड़ दिया था। अरे शर्म आती है मुझे कि मेरी शादी तुम जैसे इंसान के साथ हुई थी, जिसके लिए औरतें सिर्फ एक खिलौना है, जिसकी खूबसूरती देखी जो अच्छी लगी बस उसी के पीछे चल दिए। अरे शर्म आती है मुझे तुम्हें अपना पति कहते हुए। मैं यहाँ तुम्हारे साथ एक मिनट नहीं रह सकती, जा रही हूँ मैं। नहीं नहीं कंगना, मेरी बात सुनो, ये सब इसकी चाल है और इसने मुझे फंसाया है। विशाल सबसे माफी मांगता है पर कोई भी उसे माफ नहीं करता। साथ ही गुलाबो और कंगना उस पर केस दर्ज करवा देती हैं और उसे अरेस्ट भी करवाती है। विशाल सारी उम्र अपनी गलती का पछतावा करता रहता है। साथ ही गुलाबो आजाद सिंह की बेटी बनकर हमेशा उनका ख्याल रखती है और अपनी जिंदगी में आगे बढ़ जाती है। तो दोस्तों, कैसे लगी आपको हमारी ये खड़ी चोटी वाली बहू? क्या आपके घर के आसपास भी है कोई ऐसी बहू जिसकी चोटी भी ऐसे ही खड़ी रहती हो? अगर हाँ तो उसे ये वीडियो दिखाइए और हमें कमेंट करके बताइए। दोस्तों अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।